इंग्लिश बोलना कैसे सीखें बट हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्चुअली प्रैक्टिस वॉट यू हियर कितनी बार आप एक्चुअली वीडियोज में ब्लॉग्स में पॉडकास्ट में जो चीजें सुनते हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारे स्पीकर्स और टीचर्स आके आपको देते हैं डू यू एक्चुअली प्रैक्टिस दैम थिंक अबाउट इट सो है एवरी वन माई नेम इज प्रियंका वट्स नागपाल आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर सो आई टेल यू हाउ डिड आई मैनेज टू क्रैक ऑल दो इंटरव्यूज एंड स्टार्टेड वर्किंग विद दिस टॉप ब्रांड्स ऑफ आर कंट्री लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स ब्रिटिश काउंसिल मैकम इन एजुकेशन लास्ट दस साल से कैसे मैंने स्टूडेंट्स को वर्किंग प्रोफेशनल्स को उन लोगों को जिनको आइट स्कोर करना है उन लोगों को जिनको जी मैट क्रैक करना है या जी आर ई क्रैक करना है या फिर सिंपली सिर्फ इंग्लिश सीखनी है कि बोलना है बस इन लोगों को मैंने कैसे हेल्प किया विद वन स्ट्रैटेजी विद दैट विद दैट राम बाण दैट आई हैव क्रिएटेड एंड डिस्कवर्ड विद माय एक्सपीरियंस सो नाउ वील स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी दैट वन राम बाण गाइज जिसके बिना आप इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर पाओगे और इस एक चीज से आप अपनी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग योर ग्रामर योर वोकैबुलरी प्रोनंसिएशन मतलब हर एक पैरामीटर इंग्लिश लैंग्वेज का इम्प्रूव हो जाएगा ट्रस्ट मी वन आई सर ना अपनी जो डायरी आपने ली है उसके ऊपर दो कॉलम बना लो. दोनों कॉलम में से एक कॉलम पे ऊपर टॉप पे लिख दो टी टी एस और एक में लिख दो एमडबू एफ ना अगर हम लोग स्कूल और कॉलेज गए हैं हमें पता होगा एमडब्ल्यू एफ और टी टी एस क्या होता है एनी एनी गेस दो तीन घंटे या अलग अलग बुक्स को पढ़ के या फिर अलग अलग वोकैबलरी के वर्ड को लिख के इंग्लिश नहीं सीखनी है बिकॉज दैट्स नॉट द राइट स्ट्रैटेजी गाइज आपको सिर्फ रोज के पांच या दस मिनट निकालने मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत ही डेस्परेट हो तो पंद्रह मिनट और इस पाँच दस मिनट से एवरी डे दे दे, लेकिन देने पड़ेंगे आपकी इंग्लिश इतनी सुपरली इंप्रूव हो जाएगी इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा एंड इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी दैट विल इंप्रूव योर इंग्लिश आफ्टर थ्री मंथ्स कि आपको तीन महीने बाद रिजल्ट मिल रहा है नो no. आपको रिजल्ट इंस्टेंटली मिलना शुरू हो जाएंगे सो so ना uh, जो आपने एमडब्ल्यू एफ लिखा है ठीक है उसके नीचे आप लिख लीजिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग ठीक है और टी टी एस के नीचे हम लिखेंगे रीडिंग एंड राइटिंग नाउ हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे आते हैं इसमें आपको क्या करना है एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे आपको मॉर्निंग या रात को सोने से पहले मीन्स फर्स्ट थिंग वेन यू वेकअप और द लास्ट थिंग बिफोर यू हिट द सैक बिफोर यू गो टू स्लीप आपको एक कोई टाइम चुनना है और उस पर फॉर एग्जाम्पल आपने मॉर्निंग चुना ठीक है आप मॉर्निंग पर्सन हो आप सुबह उठो आप सबसे पहली चीज क्या करोगे आप कोई भी पॉडकास्ट uh, सुनोगे पॉडकास्ट जानते हैं आप लोग इट्स यू नो अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई या बहुत सारी फ्री एप्स हैं जो आप फोन में डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे पॉडकास्ट सुन सकते हो आपको सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं आपको लंबी लंबी कहानियाँ नहीं सुननी है आपको कोई लंबी लंबी मोटिवेशनल स्पीच नहीं सुननी है आपको सिर्फ छोटा सा कोई दो मिनट का एक मिनट का ऑडियो क्लिप सुनना है मीन्स इट शुड बी लाइक अ कॉन्वर्सेशन अगर आप आइट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आप समझोगे कि कॉन्वर्सेशन को सुनना कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में

वो ऑडियो क्लिप ऑन करेंगे और रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे क्या रिकॉर्ड करेंगे वही जो हमने सुना है ओके ट्रस्ट मी गाइस ऐसा करना बहुत जरूरी है कि जो आपने सुना है अब आपको वो बोलना है पता है क्यों क्योंकि प्रॉब्लम ही ये है कि जब आपको बोल दिया जाता है कि इंग्लिश में बोलो आपके पास थॉट्स नहीं होते हैं यू गो ब्लैंक कि मैं क्या बोलूंग राइट right? सो so यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ कि आपको क्या बोलना है सो so वो कॉन्टेंट आपने सुना आपने बोला अब क्या करना है आपको उन्हें कंपेयर करना है एंड दिस इज हाउ यू विल यू नो स्ट्रेटिजिकली इंप्रूव योर इंग्लिश अब जब आप उसको कंपेयर करोगे तो मैं आपको पहले से बता देती हूँ द थिंग्स एट यू कोब्जर्व राइट आपको पता है क्या समझ में आएगा कि जो मैंने लिसनर को सुना कुछ वर्ड्स की प्रोनाशिएशन उसने अलग बोली मैंने अलग बोली कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स उसने यूज़ किए जो मैं भूल गया राइट right. और मैंने जो 100 परसेंट उसकी इंफॉर्मेशन ली उसमें से सिर्फ फाइव या टेन परसेंट या इवन टू परसेंट वर्ड के सिनारियों में मुझे याद रहा और मैं रिकॉर्ड कर पाया विच इज फाइन इट इज एब्सोल्यूटली फाइन बिकॉज यू आर लर्निंग ओके सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम आराम से करोगे हो जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको इसी का ऑपोजिट जो दूसरा पेयर है आपका रीडिंग और राइटिंग उसको आपको टी में प्रैक्टिस करना है एंड हाउ आर यू टू डू दैट नाउ आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना है राइट right. अब अगेन आपको क्या करना है ट्यूसडे थर्सडेज और सैटरडेज को किसी भी टाइम सुबह या रात को पाँच मिनट के लिए उठ के आपको कोई ब्लॉग पढ़ना है आपको मैं कोई नॉवल पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो आपका साइड का पार्ट है अगर आप इंटरेस्टेड हो इफ यू आर अ कीन रीडर यू कैन रीड यू नो बट इस टाइम पे जो ये टाइम है प्रैक्टिस वाला इसमें आपको नहीं करना है नॉवल रीड इसमें आपको कुछ ऐसा रीड करना है विच यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन Which you can you know enjoy. If you love cars, you can read about cars. If you love uh, you know fashion, you can read about fashion industry. आप कपड़ों के बारे में read कर सकते हो आप कुछ भी read करो आप टेक्नोलॉजी के बारे में रीड करो सो so, छोटे छोटे ब्लॉग्स या आर्टिकल्स ही आपको रीड करने हैं जस्ट एक पैराग्राफ दैट सेड और उतना ही हमारी यू you नो know, हम हम याद कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम याद नहीं कर सकते उसके बाद जिस तरीके से आपने सुन के बोला था ना अब आप पढ़ के उसको लिखोगे जो आपने ब्लॉग पढ़ा पढ़ लिया उसको साइड कर रख दो देखना नहीं है अब। तो अगेन यू कंपेयर जब आप कंपेयर करोगे तो क्या देखोगे क्या लगता है Obviously, कितनी मिस्टेक्स होंगी जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी जैसे कि आप वर्ड्स भूल जाओगे वहां पे लिखा था राज कॉम्प्रीहेंडेड द क्वेश्चन आपको समझ तो आ जाती है इंग्लिश आपको इतना पता है कि इसका क्या मतलब हुआ राज क्वेश्चन समझ गया लेकिन लिखते टाइम आप कॉम्प्रीहेंडेड वर्ड भूल गए क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है बट आपने क्या लिखा राज अंडरस्टूड द क्वेश्चन तो इससे आपकी वोकेबुलरी भी इम्प्रूव हो रही है आपकी ग्रामर भी इंप्रूव हो रही है हो रही है कि नहीं हो रही है राइट right? इस एक ही स्ट्रैटेजी में आपकी स्पेलिंग्स भी आपको पता लग रही है

मैं ऑडियो सुनूं या मैं मूवी देखूं राइट या मैं बोलूं तो मैं किसके साथ बोलूं यही तो प्रॉब्लम्स हैं और हर कोई आके यही बोलता है कि किताबें पढ़ो हर कोई आके यही बोलता है कि लोगों से बातें करो अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है किससे बात करो नहीं होती तो इस एक्सरसाइज में इस स्ट्रैटेजी में कि आपको किसी की ज़रूरत है नो no. कि आपको कोई फ्रेंड चाहिए नो no. क्या आपको कोई बुक चाहिए नो no. और नहीं चाहिए आप लेना भी मत चाहे आप कितने ही डेस्परेट हो रहे हो इंग्लिश सीखने के लिए वो आप इस टाइम से अलग जो करना चाहते हो करो दैट इज़ अप टू यू बट इस ड्यूरेशन में जो वो मॉर्निंग का पाँच दस मिनट है ना उसमें सिर्फ मेरी मान के सिर्फ इतना करो एंड गाइज मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ ट्रस्ट मी टेन ईयर्स कम नहीं होते हैं कुछ भी सीखने के लिए दस साल में मैंने पढ़ाया है लेकिन पढ़ाते पढ़ाते सीखा भी है इन्हीं स्ट्रैटेजीज की हेल्प से सीखा है क्योंकि मैं पॉडकास्ट सुनने में बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ शुरू से ये राम बाण जो मैं आपको बता रही हूँ दिस इज़ गोइंग टू एक्चुअली मेक योर लाइफ ईजी और आपको उसके बाद वीडियो नहीं देखनी क्यों क्योंकि यू विल स्टार्ट यू नो फीलिंग एंड यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इमेंस चेंज एंड ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन योर ओवरऑल इंग्लिश सो इस स्ट्रैटी में जब आप और, और हां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपके बच्चे क्या करते हैं बहुत डेस्परेटम मैं तो शुरू शुरू के जोश होता है मैं तो रोज करूँगा मैं डेली करूँगा एमडब्ल्यू एफ टी टी एस नहीं मैं तो रोज़ सब कुछ करूंगा प्लीज डोंट डू दैट डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ बिकॉज इट विल गेट वेरी यू नो मोनोटनस और वो बोरिंग हो जाएगा एंड वो बहुत ज्यादा ही प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर एक लैंग्वेज है उसको लैंग्वेज की तरह ही हैंडल करोगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी तो अब आप लोग को क्या करना है वही एमडब्ल्यू एफ ने आपको सिर्फ लिसनिंग एंड स्पीकिंग करना है और टी में आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग करना है और गाइज इनको ना आपको सेव करके रखना है जो भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो या अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो इसको आपको डिलीट नहीं करना है आफ्टर ट्वेंटी थर्टी वीडियोज़ एंड ऑडियोज एंड यू नो स्क्रिप्ट आप जब कंपेयर करोगे देन यू विल स्टार्ट फीलिंग कि वो कैसे कैसे आप इम्प्रूव कर रहे हो एंड क्या चाहिए एंड में कॉन्फिडेंस चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए ना बोलने का सब कुछ सीख लिया पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस तब आएगा ऐसे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तब आएगा जब अप्रिसिएशन आएगा हर किसी को तारीफ सुननी है चाहे अपनी या दूसरों की राइट right? तो वो अप्रिसिएशन कब आएगा जब आपके अंदर इंप्रूवमेंट विजिबली दिखेगी राइट right? आपके दोस्त आपके कलीग्स आपके फैमिली आपके पेरेंट्स आपके सिम सब जब देखेंगे नोटिस करेंगे अरे यार तू इम्प्रूव कर रही है तू फ्लुएंट हो गया है तू तेरे में कुछ चेंज है तेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है राइट right? और वो अप्रिसिएशन कब आएगा जब आपके अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी इंप्रूवमेंट कब दिखेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे कब से अभी से अब मैं आपके साथ वो फाइनल बोनस टिप शेयर करने जा रही हूँ विच इज गोइंग टू हेल्प यू मास्टर योर टेंसेस And and by tenses I mean no more confusion of do -and does, no more confusion of where to put has and have, no more confusion of पुट है आगे s लगेगा कि नहीं लगेगा goes बोलूँ या go बोलूँ walk बोलूँ या walks बोलूँ राइट ये कोई confusion नहीं रहेगी पास सिंपल पास परफेक्ट में confusion नहीं रहेगी बिकॉज यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग को बहुत बहुत हॉन्ट करती हैं सो अब मैं रिवील करने जा रही हूँ हमारा बोनस गेम विच इज कॉल्ड द टेंस गेम

इसमें ना सारे टेंसेस हैं सारे इस एक चार्ट में सारे टेंसेस हैं दुनिया के तीनों पास प्रेजेंट फ्यूचर टाइम है आपके पास सारे चारों तरीके के टेंस हैं सिंपल परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कंटिन्यूस एक्सेट्रा उसके बाद आपके पास हर टेंस का पूरा का पूरा फॉर्मूला है पूरा रूल लिखा हुआ है हर एक बॉक्स में यहाँ पे कुछ बारह बॉक्सेस रहेंगे तो आपको इनके साथ ना बारह चिट्स बनानी है या बारह वो तंबोला वाली नंबर नहीं होते वन टू थ्री फोर फाइव तो वो वन टू ट्व आपको रखने हैं या फिर कोई डाइस बना लो जिसमें वन से लेकर ट्वेल्व तक के नंबर हो एंड दिस गेम इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली हाउ वी प्ले यू नो चेस एंड सांप सीढ़ी एंड एंड लूडो एंड ऑल ऑफ दैट सो इट्स गोइंग टू बी अ फन गेम और इसमें जीरो पार्टिसिट मतलब वन पार्टिसिपेंट तो चाहिए आप उसके अलावा आप मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के साथ खेल सकते हो मतलब बिल्कुल एक की भी जरूरत नहीं है आपको अपने अलावा या आप जिस जिसने मर्जी को रखना चाहो रख सकते हो तो अब आपको वो चिट निकालनी है या वो डाइस घुमानी है जो भी आप करना चाहो जो भी आपके पास अवेलेबल हो और उसमें फॉर नंबर नंबर आपने उठाया six, ठीक है आया अब जब वो नंबर आया सिक्स तो आपने देखा कौन से बॉक्स है नंबर सिक्स फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये है सिक्स ठीक है आपने इसको सिक्स नंबर दिया ये कौन सा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस ठीक है अब पास्ट कंटिन्यूस हो फ्यूचर कंटिन्यूस हो प्रेजेंट परफेक्ट हो जो भी नंबर आपका आता जाएगा आप उस नंबर का रूल उस पर लिखा हुआ है आपको कुछ खुद से नहीं ढूंढना आप उस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे एंड सेंटेंस बनाएंगे सेंटेंस बनाओ प्रेजेंट सिंपल आया सेंटेंस बनाओ आई वेंट देयर पास्ट परफेक्ट आया सेंटेंस बनाओ आई हैड गॉन देयर खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है गाइस कि मेरे को तो पता ही नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का रूल ना लिखा है इसके अंदर लिखा है इस पिक्चर को फोटो स्टेट करा के इस तरीके से लैमिनेट करा के एक बोर्ड गेम की तरह बना सकते हो एंड ट्रस्ट मी वन आई से दिस ऑल माई स्टूडेंट स्टिल टेल मी कि मैम इस स्ट्रैटेजी ने ना बहुत हेल्प की है टेंसेज याद करने में नाउ आई डोंट नीड एनी बुक और एनी एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस माई टेंसेज एक बार वंस एंड फॉर ऑल याद हो गए मतलब हो गए जब कभी लगता है कंफ्यूजन है टेंस का चार्ट उठाता हूँ और खेलना शुरू कर देता हूँ अकेले ही बैठ के टाइम पास हो जाता है मेरा सो दिस गाइज दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन योर इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी जिसको आप सीखने की कोशिश कर रहे, कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो लेकिन नहीं हो रही है अब हो जाएगी बट ट्रस्ट मी आपको उतना पैशनेटली इसको करना पड़ेगा फॉलो बस पाँच या दस मिनट रोज के that's it. और ये टेंस रोज खेलने की जरूरत नहीं है जब कभी मन कर रहा टाइम पास करने का खेल लो लीव यू ऑन दिस नोट आई हैव शेयर्ड विद यू एंड यू क्योंकि आप जो स्टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जो स्टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है इस सबके लिए आपको वन स्टॉप सोल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप तो इंतजार किस बात का है आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए क्लिक द लिंक नाउ